आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ फ्री फायर इज डिस्ट्रॉइंग द गेम, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो हाउ गरेना इज डिस्ट्रॉइंग फ्री फायर। अगर आप आज से एक साल पहले भी फ्री फायर खेलते थे तो आपको पता होगा कि पहले फ्री फायर खेलने में मजा ही बहुत ज्यादा आता था। लेकिन वही अगर हम आज के टाइम पे कंपेयर करें आज से एक साल पहले के फ्री फायर को, तो आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में फ्री फायर में उतना ज्यादा मजा नहीं आता जितना पहले आता था। अगर आप एक ओल्ड प्लेयर हो तभी आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। पहले के फ्री फायर में ऐसा क्या था जो आज के फ्री फायर में नहीं है, एंड पहले इतना था हमें खेलने में मजा क्यों आता था और आज के टाइम में खेलने में मजा क्यों नहीं आता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप कोई भी चीज करोगे तो आपको वो चीज लगेगा कि यार 100% सही है, इस चीज में कोई गलती नहीं है। ऐसा गरेना को लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि गरेना वाले गेम नहीं खेलते, गेम को हम खेलते हैं, हम ही गेम को एक्सपीरियंस करते हैं। और गरेना को लगता है कि जितना ज्यादा हम चीजें को ऐड करेंगे गेम में उतना ज्यादा गेम इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गरेना गेम नहीं खेलता है, गेम हम खेलते हैं। तो जो गेम खेलता है वही गेम की चीजों को समझ पाता है। किस तरीके से फ्री फायर गेम को डिस्ट्रॉय कर रहा है आपको आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से चलेगा। आप सभी को ये बात तो पता ही है कि फ्री फायर एक ऐसा बैटल रॉयल गेम है जो कि सिर्फ और सिर्फ लो एंड डिवाइस के लिए ही बना है, जिसमें रैम रोम प्रोसेसर बहुत कम वाला होता है, सस्ता प्रोसेसर सस्ता रैम होता है, वैसे डिवाइसेस के लिए फ्री फायर बना है। लेकिन फ्री फायर आज के टाइम पे यही भूल गया है कि फ्री फायर एक ऐसा बैटल रॉयल गेम है जो कि छोटे डिवाइसेस के लिए बना है, और छोटे डिवाइसेस में तो इतना ज्यादा लैग होता है जितना मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे पास इतना अच्छा डिवाइस है, 12GB रैम फोन है, 16GB का पीसी है, लेकिन उसमें भी फ्री फायर कभी कभी लैग होता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जो लो एंड डिवाइस होता है कितना ज्यादा लैग करता होगा। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, फ्री फायर यही भूल गया कि फ्री फायर बना किस लिए था, फ्री फायर का मोटिव करा स्टार्टिंग के दिनों में, एंड आज के टाइम पे फ्री फायर कर क्या रहा है। अगर मैं आज से एक साल पहले की बात करूं तो मेरे पास 2GB रैम वाला फोन था ना, उसमें फ्री फायर मक्खन चलता था, लैग का तो भाई नामो निशान नहीं होता मेरे फोन में आज से एक साल पहले की बात करूं। अब आप लोग सोच रहे हो भाई पहले का फ्री फायर छोटा था ना, अभी का फ्री फायर बड़ा हो गया है, तो पहले मेरा फोन भी छोटा था ना, अब तो फोन बड़ा हो गया तो फिर लैग क्यों करता है मेरा? इट्स ऑल अबाउट ग्लिचेस जो कि फ्री फायर सॉल्व ही नहीं करता। ग्लिचेस से एक और बता दे, पिंग इशू हम ये तो मान सकते हैं पिंग इशू इसलिए होता है क्योंकि हमारा नेटवर्क सस्ता होता है, लेकिन भाई मेरे पास तो 200 Mbps का वाईफाई है, उसमें पिंग इशू क्यों होता है? अगेन आई विल से द सेम थिंग, इट्स ऑल अबाउट ग्लिचेस जो कि अभी के टाइम में फ्री फायर में होता है, लेकिन आज से एक साल पहले फ्री फायर में नहीं हुआ करता था, इसलिए फ्री फायर गेम में बहुत ज्यादा ही मजा आता था। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पे 2019-2020 की फ्री फायर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2017-18 फ्री फायर की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो ये तो एक हद तक ठीक है, प्लेयर्स यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो प्लेयर्स एडजस्ट बिल्कुल नहीं करते, वो अननेसेसरी चीजें गेम में ऐड करना। पहले जो फुल मैप वाला रैंक गेम हुआ करता था उसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें हुआ करती थी जो कि रैंक गेम में काम आता है, जैसे कि पहले के रैंक गेम में अननेसेसरी गन्स नहीं हुआ करती थी, जो गन्स काम की है, जो गन यूज होती है, जो गन अनबैलेंस क्रिएट नहीं करती वही गन्स हुआ करती थी, बाकी सब गन्स को अलग अलग मोड के लिए रखा गया था। लेकिन अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक चीज रैंक गेम में ऐड हो जाती, चाहे वो रैंक गेम में काम की हो या ना हो, जैसे कि रिवाइवल पॉइंट। काफी सारे बंदे बोलेंगे रिवाइवल पॉइंट से आपको क्या दिक्कत है, रिवाइवल पॉइंट तो बहुत अच्छी चीज है। देखो पर्सनली मैं भी रिवाइवल पॉइंट को अच्छा मानता हूँ, रिवाइवल पॉइंट से मैं भी कई बार रिवाइव हो चुका है, मरने के बाद मैं चलो निश्चित हो जाता हूँ कि अब तो मैं रिवाइव हो सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यही तो आती है हम लोग गेम को इंटरेस्ट से खेलते ही नहीं है, हम गेम को अच्छे से खेलना चाहते ही नहीं है, हम सोचते हैं चार बंदे घुस जाते हैं मरेंगे तो हमारे टीममेट्स हैं रिवाइव करने के लिए, लेकिन पहले ऐसा हुआ ही नहीं करता था। पहले अगर कोई एनिमी दिखता भी था तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ रश करते थे, और अगर हमने किसी को मार दिया तो तभी हमारे मन में एक आती थी फीलिंग कि हाँ यार मैंने मारा है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम किसी को मारते हैं तो वही बंदा रिवाइव होकर बाद में हमें ही मार देता है, इससे और भी जरा चिड़चिड़ापन मन में आता है, एंड गेम के प्रति जो हमारा इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा काफी सारे लोगों ने फ्री फायर क्विट भी कर दिया बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी थिंग्स इन रैंक गेम। एंड एक और अननेसेसरी चीज है जो कि फ्री फायर में एडेड है रैंक गेम में, वो है ये फ्रीज वाला ग्रेनेड जो कि हम फेंकते हैं तो बंदा फ्रीज हो जाता है, और ये चीज भी रैंक गेम में एडेड है, बल्कि इसे क्लैश स्क्वाड के लिए रहने देना चाहिए था, लेकिन फ्री फायर ने इसे रैंक गेम में एड किया। पता नहीं फ्री फायर एक्चुअली सोचता क्या है, फ्री फायर की सोच ऐसी है कि जितना ज्यादा चीजें हम गेम में एड करेंगे उतना ज्यादा गेम इंटरेस्टिंग होगा, बट फ्री फायर पूरा उल्टा करता है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, क्योंकि फ्री फायर गेम खेलता नहीं है, सॉरी फ्री फायर नहीं, गरेना के जो एम्प्लॉयज हैं वो गेम खेलते नहीं है। अगर वो गेम डेली बेसिस पे खेलेंगे तब जाके उनको समझ में आएगा, वो गेम को एक दो दिन खेलते हैं फिर उसके डायरेक्ट एक दो महीने बाद गेम खेलेंगे तो कहां से समझ में आएगा। एंड फ्री फायर में जो हमारे फीडबैक होते हैं उस पे भी कुछ खास रिस्पॉन्स आता नहीं है गरेना के द्वारा, बट ठीक है यार सह लेंगे। अब ये तो थी दो ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा मेन है जिस वजह से हमारा फ्री फायर में इंटरेस्ट धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो कि और भी ज्यादा मेन हो सकती है अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि फ्री फायर लो एंड डिवाइस के लिए बना है, ऐसे कुछ डिवाइसेस के लिए जिसका रैम रोम बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब आपका दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि जिन बंदों के पास डिवाइस ही छोटा वाला, जो बंदे अच्छे डिवाइस परचेस नहीं कर सकते वो फ्री फायर गेम में भी कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा फोन खरीदने का पैसा नहीं है तो वो गेम में कितना पैसा उड़ाएंगे। चलो थोड़ा थोड़ा चलता है, कुछ टॉप अप कर लेंगे 100-200 का, इतना तो लिमिटेड सबका हो सकता है, लेकिन ये भी हर बंदा नहीं करता, कुछ कुछ बंदे ही करते हैं।
तो फ्री फायर सबसे पहले यही चीज भूल गया। फ्री फायर एक ऐसा गेम है जो कि लो एंड डिवाइस के लिए बना है। लो एंड डिवाइस मतलब ऐसे कुछ लोग जो कि बहुत कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में कम इन्वेस्टमेंट में कुछ होता ही नहीं है। आपको अगर कुछ चीजें चाहिए तो आपको हजारों में डायमंड फेंकने पड़ेंगे, तब जाके आप कुछ परचेस कर पाओगे। एंड यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि फ्री फायर कहीं से भी गलत है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, एंड बिजनेस वॉर लव में सब कुछ जायज है। यहाँ पे गरीना फ्री फायर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है ना। इसी का एक बहुत ही मस्त एग्जांपल है ईवो गन्स। जबकि फ्री फायर में नॉर्मल लेजेंडरी गन्स थी, बट फ्री फायर ने ईवो गन्स खोला है क्योंकि फ्री फायर को ज्यादा पैसा अर्न करना था। एंड इस वजह से जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो खुद में डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरे पास ईवो गन नहीं है। अब ईवो गन नहीं है तो लोग मुझे ठीक ठाक प्लेयर नहीं समझेंगे, लोग मुझे नुबड़ा समझेंगे वगैरह वगैरह, लोगों के दिमाग में चलता रहता है। अब ईवो गन भी एक हद तक ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन जो चीज सह नहीं कर सकते वह फ्री फायर में कुछ भी चीज रेयर नहीं रहती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रीन क्रिमिनल, जो कि कुछ समय पहले ही रिटर्न में आया। मेरे जैसे लोग जिनके पास ग्रीन क्रिमिनल नहीं था उनके लिए तो सब ठीक है, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो उल्टा खुशी हुई मेरे पास एक ग्रीन क्रिमिनल आ गया। लेकिन जिनके पास पहले से ही ग्रीन क्रिमिनल था उन लोगों का क्या? ऐसे ही करते करते फ्री फायर का मोस्टर बंडल, हिप हॉप बंडल, साकुरा ये सब भी वापस आ जाएंगे, इलाइट पास भी रिटर्न में आने लगेंगे। तो ऐसे में जो लोग होते हैं जो कि पुराने प्लेयर्स होते हैं, वो गेम को क्विट करना शुरू कर देते हैं। देख भाई, खेलने में तो वैसे ही मजा नहीं आ रहा, फ्री फायर पर ना जाने क्या क्या चीजें ऐड करते रहता है, और ऊपर से जो चीज उनके पास रेयर है, जो उनकी लास्ट होप है गेम खेलने की, उसे ही फ्री फायर सब में बांट देगा। तो जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं, ओल्ड प्लेयर्स, वो लोग क्या ही करेंगे, वो लोग गेम क्विट करने के सिवाय कुछ और कर नहीं सकते। एंड ये सब भी चलो ठीक है यार, ये सब चीज तो सहन नहीं होगा ग्रीन क्रिमिनल वाला, लेकिन एक और चीज है जो कि सहन नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, वो है कुछ कैरेक्टर जो कि डिसबैलेंस करते हैं गेम को, जैसे कि क्रोनो, वुकोंग, स्काइलर। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो कि बैटल रॉयल गेम का नामो निशान मिटा देते हैं। फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है, लेकिन कुछ इन कैरेक्टर की वजह से ये बैटल रॉयल गेम लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई और ही गेम खेल रहे हैं। फ्री फायर आज के टाइम पे नंबर वन बैटल रॉयल गेम है, एंड ये यू ही तो नहीं बन गया होगा ना। बट रियलिटी की बात करें तो फ्री फायर नंबर वन बैटल रॉयल गेम का खिताब तो जीत चुका है, लेकिन फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है ही नहीं। अब आप गेम खेलोगे तभी आपको समझ आएगा कि मैं एक्चुअली बोल खेल रहा हूँ। क्रोनो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपको पता ही है क्या कांड करता है, वुकोंग एक ऐसा कैरेक्टर जो क्या कांड करता है आपको पता है, स्काइलर एक ऐसा कैरेक्टर जो क्या कांड करता है आपको पता ही है। ये कुछ नॉर्मल से रीजन है जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट फ्री फायर से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एंड अगर आप लोग आज से एक साल पहले फ्री फायर खेलते तो आपको अच्छे समझ आया कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। एक साल पहले फ्री फायर एक रियल बैटल रॉयल गेम था। हम जो प्लेयर्स हैं वही फ्री फायर को प्रमोट करते हैं अपने दोस्तों में, फ्री फायर गेम इतना अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन अगर फ्री फायर में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम फ्री फायर को खुद गाली देंगे अपने दोस्तों के सामने। एंड जो फ्री फायर ट्राई करने की कोशिश करेगा, जो फ्री फायर खेलते भी रहेगा, वो हमारी बातें सुनकर फ्री फायर खेलना भी छोड़ देगा। ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ पॉइंट्स थे कि आज के टाइम में फ्री फायर खेलने में क्यों ज्यादा मजा नहीं आता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज की वीडियो में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जितने में रेगुलर वीडियोस पे व्यूज आते हैं उससे बहुत कम ही व्यूज आने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, या से वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 के लाइक्स, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसका भी जरूर सेट कर देना, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। सो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आज की वीडियो मैंने आपको जितनी ये बातें बताई है वो आपको सही लगी या फिर गलत लगी, ये मुझे कमेंट में जरूर से बताना, सही या फिर गलत। अगर आपको मेरी बात दिल से सही लगी हो तो इस वीडियो को याद से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शेयर करने में कुछ खास टाइम तो लगेगा नहीं आपको, याद से शेयर कर देना। मैंने फ्री फायर की कोई बुराई नहीं की, जो रियलिटी है, जो एक फ्री फायर प्लेयर सफर कर रहा है कुछ चीजों से, मैंने बस वो पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। इमेजिन करते हैं कि फ्री फायर एक प्रोडक्ट है एंड हम एक कस्टमर है, कंज्यूमर है हम, तो एक कंज्यूमर के नाते मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि फ्री फायर में क्या चीज कमी है। फ्री फायर में जो पहले प्रोडक्ट बनते थे वही अच्छे थे, कुछ न्यू चीजें ऐड करके आप फ्री फायर को खराब करो, बस दैट्स इट। इतना ही मैं आज की इस वीडियो से कहना चाहता था, तो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।